This is not required activity. Yes, please. Thank you. Yes, please. Thank you so much for joining us. Yes, please, sir. दो मिनट के लिए बात करेंगे, उसके बाद बाहर आएंगे, उसके बाद नहीं बात करेंगे. यू कैन ऑल्सो इन वास. सपोर्ट करें आपके गले में, क्योंकि हम अलग नहीं हैं. लास्ट 4-5-6 मंथ्स देहांत तक हमारा सफर चलता है. देहांत कुछ गिवर्स हैं, जो केयर टेकर्स हैं, वो एक आप कितनी दूर से आप आए हैं भारत पर साथ में, रियली ग्रेटफुल. मैं डॉक्टर आशुतोष हूं, कैंसर स्पेशलिस्ट हूं जीएमसी जम्मू में. आज की जो मीट है उसका बेसिक फोकस है हमारा कि जो ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं उनके सर्वाइवर्स हैं, उनको फैसिलिटेट करना और उनको एजुकेट करना कि जो ठीक तो हो चुके हैं फर्दर लाइफ कैसे बिताएंगे वो. तो इसमें सबसे बड़ी हेल्प हमें मिली है मैक्स फाउंडेशन से, जो मुंबई बेस्ड है, जो इनका पूरा ट्रीटमेंट, पूरा मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती रही है ओवर द ईयर्स. तो इसमें इसी को आज एक सेलिब्रेशन डे है. हमने जो पेशेंट्स से इंटरेक्शन करनी है उनको इकट्ठा किया पेशेंट्स को रादर दें, और उसमें हम मेडिकल जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी आएंगे, तो वन टू वन इंटरेक्शन करेंगे. वो मरीज़ जो है अपनी जर्नी बताएंगे, कैसे उनका डायग्नोसिस हुआ, कैसे शुरू हुआ, ताकि इट बिकम्स ए इंस्पिरेशन स्टोरी फॉर द अदर्स आल्सो. जो नया पेशेंट आता है जो ब्लड कैंसर से कभी डायग्नोस हुआ है रिसेंटली, तो उसको निराश होने की ज़रूरत नहीं है. दो दीज फोरम्स हेल्प इस इन मेकिंग सम गाइडलाइंस for those patients who may suffer from this dreaded disease later on. लेकिन यह कि ये disease dreaded नहीं है. आप देखेंगे patient 20 साल 15 साल से survive कर रहे हैं. वो सबसे important बोलूँगा कि जो हमारी society का role है, सब कुछ मत depend करिए government पे. जो हमारे NGOs हैं, जो हमारी society है, वो जैसे कैसे forward आती, Max Foundation जैसे आगे आई है, इन लोगों का हाथ पकड़ा, उनको support किया, लाखों रुपए की फ्री मेडिसिन दी, और वो आज खुशी खुशी सर्वाइव करें अपनी फैमिली के बीच. तो मैं चाहता हूँ ऐसी और भी NGOs फॉरवर्ड आएँ, सोसाइटी जिसको बोलते हैं, डोंट डिपेंड अपन गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट सब कुछ करेगी या डॉक्टर सब कुछ करेंगे. तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ट्रस्ट हो सकती, मंदिर हो सकते हैं, मस्जिद हो सकती है, जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हैं या सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, दे शुड कम फॉरवर्ड एंड मेक ए कंसर्टेड एफर्ट टू हेल्प दीज पेशेंट्स. बिल्कुल, आप बड़ी खुशी है कि हमारा स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट अभी फाइनल स्टेजेस में है. 6 महीने साल का वक्फा और दीजिए, जो लेटेस्ट मशीन्स हैं कहीं भी जो इंडिया में लगी हैं वो जम्मू में हम फंक्शनल करेंगे, और स्लोली स्लोली आपको देखेंगे कि जो सारे जो ट्रीटमेंट हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, मॉडलिटीज जो बाहर होती थी, अब जम्मू में मिलेंगी. लोगों का ट्रस्ट चाहिए, विश्वास चाहिए कि वो हम पे विश्वास रखें, और वी विल गिव देम द बेस्ट ऑफ द पॉसिबल केयर. एक्चुअली मैं उमर जान मीर हूँ, अनंतनाग से बिलोंग करता हूँ. तो मैं खुद एक कैंसर पेशेंट हूँ. आई एम टेकिंग ग्लिविक मेडिसिन सिंस फ्रॉम 2004. जब मुझे डिडक्ट हुआ 2004 में, फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिकिम्स लिया. वहाँ पे मुझे डॉक्टर्स ने बोला कि दिस पेशेंट विल लिव सर्वाइव फॉर फ्यू मंथ्स. तो फिर वहाँ पे मेरे पेरेंट्स ने डिसीजन ली, तो फिर हम वहाँ से उठे तो गए सीधी PGI. तो आई वॉज एडमिटेड इन PGI फॉर लीस्ट 30 डेज, देन दे स्टार्टेड टू ट्रीट मी देयर. तो मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह, देन आई एम थैंकफुल टू मैक्स फाउंडेशन, देन नवहाटीज हु इज़ प्रोवाइडिंग मी द मेडिसन. ये मेडिसन बहुत महंगा था मार्केट में, मतलब बहुत कॉस्टली था. तो हमें मैक्स फाउंडेशन की तरफ से मेडिसन मिलता है डेली 400 mg में लेता हूँ ये मेडिसन. 4 महीने के बाद मुझे विजिट करना पड़ता है PGI. तो हमारा एक सेमिनार होता है हमेशा, मतलब पेशेंट्स को कलेक्ट करने के लिए,
इससे ना एक दूसरे सब पेशेंट जुड़ते हैं, एक दूसरे का उनकी हिम्मत बढ़ती है। मतलब ये जब डिफरेंट एरिया से जस्ट लाइक कश्मीर, जम्मू, केरला, अहमदाबाद, तो आज भी हम जम्मू आए हैं, तो आज हमारी ये मीटिंग है। इसमें ना जो वीर जी हैं हमारे जम्मू में, उसी ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है। हमारी एक विजी मैम है जिस मतलब जो काफ़ी सालों से इस फाउंडेशन को चला रही है। इट्स ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ हर। कितनी देर हो गई आपको इस बीमारी से लड़ते हुए? जी मुझे 2004 से मैं लड़ रहा हूँ इस बीमारी से। आई एम टेकिंग इट 400 mg डेली। तो मुझे फर्स्ट शुक्र अल्लाह का कि मैं नॉट आई एम लिविंग माई लाइफ नॉर्मली। ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो इस बीमारी का नाम सुन के डर जाते हैं? ये तो हैं, वो तो फैक्ट है। जैसे आप फैमिली में कहीं भी जब डिटेक्ट होता है ना कैंसर, तो लोग क्या, इवन दो पड़ोसी रिलेशनशिप में जब कोई सुनता है यार उसको कैंसर निकला है, सब इस कैंसर नाम से ही डरते हैं। मगर इसमें कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं। ये बिफोर 30 years या बिफोर 20 years इट वाज डेंजरस। नाउ इट्स क्योरेबल। हर किसी मतलब बीमारी का इलाज है, खाली यू हैव टू बी स्ट्रांग एंड यू हैव टू बी बोल्ड। नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, बस यू हैव टू बी स्ट्रांग। क्या मैसेज देंगे जो पेशेंट कैंसर के हैं, उनको मैसेज क्या देंगे? जो पेशेंट कैंसर में अभी मुब्तला है उनके लिए यही मैसेज है, अपनी नॉर्मल लाइफ जियो, कोई टेंशन मत लो। यू आर फाइटिंग विद अ मतलब डेंजरस डिजीज़। यू आर फाइटिंग विद अ डेंजरस डिजीज़, कोई टेंशन नहीं है। देखो सर, मरना तो हर किसी को है, मतलब मरना तो हर किसी को, ज़िंदगी आती है एक बार। जो अगर आप मर के कोई जिएगा क्या फ़ायदा? इससे बेटर है कि आप इस बीमारी से लड़ो। यू फाइट विद इट एंड यू लिव नॉर्मल लाइफ। और दूसरों को भी आप एक चीज़ करो, यू स्ट्रांग बनाओ, दूसरों को भी बोल्ड बनाओ, दूसरों को भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं वीर जी भट्ट, यहाँ मैक्स फाउंडेशन का J&K चैप्टर का को देख रहा हूँ। मैक्स फाउंडेशन एक ऐसी फाउंडेशन है जो कैंसर पेशेंट्स, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया और जिस्ट के पेशेंट्स हैं उनको दवाइयाँ, टेस्ट, उनके ट्रीटमेंट सारा केयर करती है। ये वो फाउंडेशन है क्योंकि ये दवाई बहुत ही महंगी हुआ करती थी, 1,17,000 रुपये पर मंथ, तो इसलिए इसको आम आदमी के बस से बाहर थी। लेकिन इस फाउंडेशन ने आज तक लगभग 14,000 पेशेंट्स इंडिया में जो डिटेक्ट हुए उनको सर्वाइव करवाया। उनको बार बार दवाइयां देते हैं, उनको ट्रीटमेंट देते हैं, डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन कराते हैं। तो इस संदर्भ में हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, हर सिटी में हमारा ये कार्यक्रम रहता है हर महीने, कि पेशेंट के साथ भी एक इंटरेक्शन होता है, उसके साथ जो एक सोशल मतलब ग्रुप्स होते हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन होता है। उनको समझाते हैं कि अगर क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया जिस्ट का कोई भी पेशेंट हो जाए उसको कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, उसको हम समझाते हैं कि आप ये दवाई ले लीजिए। तो लेकिन ये साथ ब साथ इसके इस बीमारी के साथ कई मिथ्स चलते हैं, जैसे कोई बाबाओं के चक्कर में फंस जाता है, कोई अपीर फकीर के चक्कर में फंस जाता है। हम कहते हैं वो कर लो, जो भी करना है, लेकिन आप ट्रीटमेंट भी कर लीजिए। ट्रीटमेंट के साथ साथ बाकी चीज़ें, कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिससे दूसरे को प्रॉब्लम। ये एक अंदर एक सेल डिसऑर्डर हो जाता है ब्लड में, तो उस डिसऑर्डर को फाइट करने के लिए आपको दवाई चाहिए, आपको काउंसलिंग चाहिए, आपको हौसला रखना पड़ेगा हमेशा। तो आपको सबसे बेस्ट अपने डॉक्टर्स हैं उनकी एडवाइस आप ले लीजिए और दवाई टाइम पर ले लीजिए। ये सारा इनको हम यहाँ पर इसका एडवाइस करते हैं। एक लिटरेचर भी हमने रखा है, वेबसाइट भी रखी है, हमारे सोशल ग्रुप्स भी हैं जहाँ पर हम एजुकेट करते रहते हैं पेशेंट्स को और उनके केयर गिवर्स को, और उसके अलावा जो सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी को, उनको भी। हमने देखा है कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो अनअटेंडेड रहते हैं, इस स्टार्ट फेज़ में कैंसर को वो ध्यान नहीं देते हैं। कमज़ोरी आ गई, बुखार आ गया, कुछ आ गया, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। विद द रिज़ल्ट फिर वो बीमारी ऐसा रूप ले लेती है जहाँ पर बचने का कोई चांस नहीं रहता है। तो हम सबों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर कोई भी आपको ऐसी कोई बात आ गई कहीं टेस्ट में, तो इमीडिएटली आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, हम आपका कोई गाइड करेंगे, हम आपको रास्ता बता देंगे, फिर आप उसी हिसाब से चल लीजिए। थैंक यू।